गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए उल्लू की अदालत इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। आइए पहले हम यह देख लेते हैं कि उल्लू की अदालत यह पाठ जो एक नाटक के रूप में हम पढ़ चुके हैं, इस नाटक में क्या बताया गया है। उल्लू की अदालत यह नाटक कोयल तथा कौवे के आपसी मतभेद पर आधारित है। यहाँ कोयल ने कौवे पर मुकदमा किया है। इसमें कोयल ने कौवे पर आरोप लगाया है कि वह उसके बच्चों को चोट से मारता है, बहुत सताता है, तो कभी पैर और पंजों से भी मारता है। वहीं कौवा कहता है कि कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ देती है मैं और मेरी पत्नी, कौवा और उसकी पत्नी इसके कोयल के अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं, ये तो अपना घर ही नहीं बनाती है। कोयल और कौवे में इसी बात को लेकर बहस होती है। भालू जो कोयल का वकील है और पेंगुइन जो कौवे का वकील है अपने अपने पक्ष को न्याय दिलाने की होड़ में लगे हुए हैं, परंतु उल्लू जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है। उन्होंने सजा के रूप में कोयल से यह कहा कि आज से आपके पास आपकी सुरीली आवाज नहीं रहेगी, और कौवे से स्कूल जाकर पढ़ाई करने को कहा ताकि उसे गिनतियों की पहचान हो। तो बच्चों, उल्लू की अदालत इस नाटक में क्या बताया गया है, वह आज हमने इस पुनरावर्तन के माध्यम से जान लिया। आइए अब हम इस नाटक पर आधारित कुछ गतिविधियाँ करेंगे आइए चलते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? पहला क्या है बच्चों? इसके उत्तर में क्या दिया है बच्चों? देखो, मैना, बंदर और भालू। मैना तो इस नाटक में मैना का किरदार ही नहीं है, तो मैना तो आएगा ही नहीं। बंदर, न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की बच्चों? बंदर ने की। अब देखिए दूसरा क्या है। उल्लू कोयल से किसकी कसम खाने को कहता है? ध्यान दो बच्चों, नियम संहिता, अदालत संहिता, जंगल संहिता, किसकी कसम खाने को कहता है? जंगल संहिता। इस नाटक में कोयल को क्या कहा गया है? सबसे अंतिम प्रश्न देखो बच्चों, बलवान, धोखेबाज, बुद्धिमान, धोखेबाज। न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? बंदर ने की। उल्लू कोयल से किसकी कसम खाने को कहता है? जंगल संहिता। इस नाटक में कोयल को क्या कहा गया है? धोखेबाज। यह गतिविधि हमने पूरी कर ली, अब आगे की गतिविधि देखते हैं। कोष्ठक में से उचित शब्द लेकर खाली जगह भरिए। अब देखिए बच्चों, हमें खाली जगह भरना है। यहाँ पर पहला क्या है? फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे डैश है। अब इसके उत्तर में क्या दिया हुआ है? आते, आता, आती। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें लिंग को देखते हुए क्या लगाना है, हमें ये उत्तर में यहाँ पर लिखना है। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में फाइलें लिए बंदर, बंदर क्या है? पुल्लिंग है। तो हमें इसके लिए आते, आता, आती में से क्या आएगा बच्चों? आता।
फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। क्या होगा बच्चों इसका उत्तर? आता। दूसरा देखिए बच्चों, कोयल चुप हो डैश है तो क्या आएगा यहाँ पर? जाती जाते जाता। अब यहाँ पर आपको यहाँ भी देखना है कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जाती जाते जाता क्या आएगा बच्चों? कोयल के साथ कोयल चुप हो जाती है, क्या आएगा? जाती। ध्यान दो बच्चों यहाँ पर, कोयल के साथ क्या आएगा? कोयल चुप हो जाती है। तीसरा देखिए बच्चों, ग बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े था थी थे। क्या थे? बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे। क्या आएगा बच्चों? पले बढ़े थे, इसका उत्तर क्या आएगा? थे। पहले में क्या आएगा यहाँ पर? फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है, कोयल चुप हो जाती है, बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे। अब देखिए ये गतिविधि भी पूरी हो गई। अब उसके आगे की गतिविधि देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। अब देखिए पहला है दूर। दूर का क्या होगा बच्चों? दूर का पास। क्या आएगा बच्चों? दूर का पास। दूर का विलोम शब्द पास। दूसरा साधारण। साधारण का विलोम शब्द असाधारण। क्या आएगा बच्चों? असाधारण। साधारण का विलोम शब्द असाधारण। साधारण का असाधारण। ये देखिए बच्चों असाधारण। क्या हुआ? असाधारण। अब तीसरा देखिए, सही का गलत। क्या होगा? गलत। सही गलत। हम यहाँ पर विलोम शब्द लिख रहे हैं, विरुद्धार्थी शब्द लिख रहे हैं, सही गलत। सफल असफल। क्या होगा बच्चों? सफल असफल। सफल असफल। उसके बाद शांति अशांति। शांति का अशांति। शांति अशांति। हम यहाँ पर उल्टा शब्द लिख रहे हैं, विरुद्धार्थी शब्द लिख रहे हैं, विलोम शब्द लिख रहे हैं। अब देखिए छठा क्या है? सवाल। सवाल का जवाब। क्या होगा बच्चों? सवाल का जवाब, उत्तर। सवाल का जवाब। ये देखिए दूर का पास, दूसरा साधारण असाधारण, सही गलत, सफल असफल, शांति अशांति, सवाल जवाब। अब देखिए ये गतिविधि पूरी हो गई। अब इसके आगे की गतिविधि, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अर्थात यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। धोखा देने वाला। धोखा देने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? धोखेबाज। क्या होगा? धोखेबाज। धोखा देने वाला धोखेबाज। धोखा देने वाला धोखेबाज। उसके बाद जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अनपढ़। क्या कहते हैं बच्चों? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम अनपढ़ कहते हैं। काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला कामचोर। क्या होगा बच्चों इसका एक शब्द? कामचोर। काम से जी चुराने वाला कामचोर, एक शब्द कामचोर। झूठ बोलने वाला झूठा। क्या होगा बच्चों?
झूठ बोलने वाला झूठा। झूठा। पहला धोखा देने वाला धोखेबाज। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। काम से जी चुराने वाला कामचोर। झूठ बोलने वाला झूठा। अब देखिए इसके आगे, अनु और अ से दो दो शब्द बनाइए। अनु और अ से दो दो शब्द बनाइए। हमें दो दो शब्द बनाना है, ऐसा शब्द बनाना है जिसमें अनु और अ लगे हुए हों। अब पहला शब्द हम बनाते हैं अनु से। अनु से अनुशासन। पहला शब्द क्या बन गया? अनुशासन। पहला अनुशासन। अनुशासन ये हो गया हमारा। अनु को लगाकर एक शब्द अनुशासन बन गया। अब देखिए, अब दूसरा शब्द बनाना है अनु से अनुसरण। क्या होगा बच्चों? अनुसरण। अनु से अनुसरण ये हो गया हमारा अनुसरण। अब देखिए बच्चों, अ से, अनु से हमारे दो शब्द बन गए। अब अ से देखिए, पहला अदालत। अदालत, अदालत अर्थात न्यायालय। अदालत क्या बन गया बच्चों? अ से अदालत। अदालत अर्थात न्यायालय। अब दूसरा देखिए, अ से दूसरा शब्द अवसर। अवसर अर्थात मौका। अवसर क्या होगा बच्चों? अ से दूसरा शब्द क्या बना? अवसर। अनु अनुशासन, अनुसरण, अ से अदालत, अ से अवसर। ये गतिविधि भी हमने पूरी कर ली। अब आगे की गतिविधि देखते हैं। देखिए बच्चों आगे की गतिविधि, नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थक शब्दों से मिलाइए। नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थक शब्दों से मिलाइए। समानार्थक अर्थात जो उसके समान शब्द हो, उसके जैसे हम बोलते हैं ना समानार्थी शब्द, उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है? निर्णय। निर्णय का समानार्थक शब्द देखिए इसमें से कौन सा होगा? प्रयास, उत्तर, तात्पर्य, कठोर दंड, फैसला। क्या होगा बच्चों? निर्णय का फैसला। क्या होगा? फैसला। अब दूसरा क्या है? कड़ी सजा। कड़ी सजा का क्या होगा? कड़ी सजा अर्थात कठोर दंड। क्या होगा बच्चों? कठोर दंड। कोशिश, कोशिश का प्रयास, प्रयत्न करना। जवाब, उत्तर। क्या होगा बच्चों? उत्तर। मतलब, मतलब का अर्थ तात्पर्य। ये देखिए ये हमने यहाँ पर मिला लिया, निर्णय फैसला, दूसरा कड़ी सजा कठोर दंड, कोशिश प्रयास, जवाब उत्तर, मतलब तात्पर्य। बच्चों हमने ये गतिविधि यहाँ पर पूरी कर ली। तो बच्चों उल्लू की अदालत इस नाटक का हमने यहाँ पर इन गतिविधियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पुनरावर्तन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यह उम्मीद करती हूँ कि उल्लू की अदालत यह नाटक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।